Hi guys, good morning and welcome back again to my channel. And yeah, आज है New Year, so आप सभी को Happy New Year. And guys, जिन लोगों ने भी मुझे birthday wish किया है उन सबको thank you so much. और आज से नए साल की शुरुआत हो गई है. And जिस तरह से हमारा पिछला वाला साल अच्छे से गुजरा है, उस तरह से ये वाला साल भी जाए और हर साल आने वाला अच्छे से जाए. और बाहर का मौसम देख सकते हो, फुल फॉगी फॉगी एंड सूरज भगवान निकल चुके हैं बट थोड़े थोड़े छुपे हुए हैं. तो चलते हैं अंदर. मैं छत पे आई थी थोड़ा सा टहलने के लिए सुबह सुबह, और अभी मैं अब देख सकते हो आई सूरी सूरी लग रही ना, फूली फूली हुई, क्योंकि रात को मैं सो नहीं पाई हूँ रात भर. मेरे हर साल देखो, आज देखो मुँह से भाप निकल रहा है. पहली बार ठंड में ऐसा हुआ है, मतलब कि आज ज़्यादा ठंड है थोड़ी सी. टाइम हो रहा है अभी 8:30 होने वाला है, और चलते हैं अंदर, देखते हैं आज क्या क्या बनेगा खाने पीने में. एंड मंदिर जाने का हमारा प्लान है बट देखते हैं क्या होता है. एक्चुअली क्या है ना कि अभी काफ़ी थोड़ा भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहना, इसलिए देखते हैं मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं, बट प्लान तो है. चलते हैं अभी अंदर. एंड आज होगी पार्टी शादी एंड मिड नाइट सेलिब्रेशन भी हुआ था, उसका क्लिप भी आप देख लेना, इसमें लगा दूँगी मैं. Happy birthday to you. Bare bare din aaye, bare bare dil gaye. Tum jiyo hazaro saal, ye meri hai. Ye taiyar hai. Happy birthday to you. को तो हमारा प्लान है कि बाहर जाने का ही. और सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी सुबह की शुरुआत चाय से, मस्त सी चाय से. एंड आज नया साल है तो नया तरीका का चाय बनाती हूँ. नया तरीका चाय कैसा होता है ऐसे ही बस बोल रही हूँ, बनाऊंगी तो वही पुराने तरीके से, बट चलो बनाते हैं. क्या बना रही है आज? बनेगा मटर पनीर. प्याज फ्राई है, मेरा चाय जो है वो बॉयल हो गया है. Thank you.
और यहाँ पे मैं अभी जी राइस बनाने की तैयारी चल रही है, तो पहले राइस को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे बन रहा है खीर, सेवई की खीर जो कि मेरी फेवरेट है। यहाँ पे मसाला फ्राई हो रहा है पनीर की सब्ज़ी के लिए। तो अभी यही सब हो रहा है, तो चलते हैं उसके बाद फिर रूम वगैरह सब सीख करना है, फिर थोड़ा फ्रेश हो लेंगे। देखो ना ये बर्थडे का दिन ही क्यों निकल गया। जब भी कुछ होता है ना कि भाई साहब को तो आना ही, यहाँ है कहीं भी है, आ जाते हैं, टपक जाते हैं मेरे लाइफ में। सो गाइज, अभी मैं जस्ट आ गई हूँ नहा के, एंड इतनी ठंड है ना, मत जो नहाई तो गर्म पानी से हूँ, बट फिर भी बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप, तो ऐसा लग रहा है आज पता नहीं हो गया या नहीं, हल्की फुल्की अब लग रही है, धूप निकल रही है, बट स्टिल कोहा बहुत ज़्यादा है, फॉग ही फॉग चल रहा है बोलते ना, वही चल रहा है यहाँ पे अभी। और आप लोग सब बताओ क्या क्या कर रहे हो न्यू ईयर पे यार। वैसे व्लॉग तो जाएगा 2 तारीख को, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने न्यू ईयर पे क्या क्या किया, क्या क्या रिजोल्यूशंस है आपके इस न्यू ईयर पे, क्या करने वाले हो। वैसे यार एक चीज़ है, हम कुछ भी सोचते हैं ना कि ये करेंगे वो करेंगे, बट वो सब ट्राई कर ले तो 1 से 2 दिन तक हम वो चीज़ करते हैं, उसके बाद फिर जैसा हमारा सेम रूटीन रहता है, हमारी जो करने की आदत रहती है ना, वही हम करते हैं। सो मेरे रिजोल्यूशन वही है, बताती हूँ क्या है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट करूँ, और इस ईयर कम से कम एटलीस्ट 10K सब्सक्राइबर तो हो जाए यार, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो आप लोग प्लीज़। हाँ, और आजकल तो मैं मेनली शॉर्ट्स ही डाल रही हूँ, एंड आई होप आप लोग इसे इन्जॉय कर रहे हो, वीडियोज़ डालने की पूरी कोशिश रहेगी। हाँ, तो ये है मेरी कुर्ती, ये मुझे डैडी ने गिफ्ट किया था, फादर इन लॉ ने। आप बताना कैसे लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। एंड या अभी मैं बस नहा के आई हूँ, सिंदूर लगाई हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई, हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, और जो भी मेकअप वगैरह होगा वो सब रात को, अभी कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, स्वेटर डालने जा रही हूँ, बस ये कुर्ती दिखाने के लिए स्वेटर नहीं पहना था, ठंड लग रही है, जा रही हूँ पहनने। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पे मैं जा रही थी छत पे जल ढारने के लिए सूरज भगवान को, एंड तुलसी में एंड सम्मी का पेड़ है ऊपर, बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पे जिसमें हम डाल जाते हैं, डेली तो नहीं जा पाती हूँ, मम्मी जाती हैं डेली, बट मैं कभी कभी जाती हूँ। आज नया साल है तो चलते हैं आज, आप मेरा छत भी देख लो, छत का पूरा रेनोवेशन हो चुका है अभी, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा छत, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी गार्डन में आ गए हो। और ये सारा किया हुआ है डैडी का, और ये मैंने आपको आई थिंक एक बार और बता रखा है, यहाँ पे तुलसी जी एंड केला का पेड़ है, एंड उस साइड में ना सम्मी का पेड़ है, और देखते हो सूरज भगवान थोड़े हल्के हल्के भी दिख रहे हैं, बट कभी कभी ना थोड़ा थोड़ा बादल टाइप आ जाता है, बट निकल जाएगा थोड़ी देर बाद अच्छे से, फिर दिख जाएंगे। चलिए फिर पूजा कर लेते हैं, एंड यहाँ पर ना पहले मैं जल झाड़ देती हूँ, एंड इसके बाद फिर उधर सम्मी में दिखाती हूँ, और थोड़ी देर बाद मम्मी भी आ जाएंगी। एंड ये कुर्ती कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताना, काफ़ी अच्छी और कॉटन कुर्ती है ये, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड गाइज, आप बताना आपका क्या क्या चल रहा है नए साल में, क्या क्या किया आप लोगों ने। एंड मैंने तो बस सुबह से यही सब है, सुबह सुबह उठी, खाना पीना बनाया, और फिर नहाई, पूजा वगैरह करूँगी, एंड उसके बाद खाना पीना खा के देन थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी, और केक कटिंग वगैरह सब रात को ही हो गया था, तो मैंने दोबारा फिर केक नहीं कट किया। फिर रात को हम जाएंगे डिनर करने, खाना पीना खा लेंगे। और आप लोग बताओ क्या सब चल रहा है आपके घर में। और ये मैंने मम्मी का शॉल डाल के रखा, इतनी ठंड थी ना यार, फटाफट से मैं निकली जब नहा के ना, स्वेटर तो पहना नहीं था, फिर जैसे ही आपसे बातें करके जैसे मैं स्वेटर पहनने गई ना, इतनी ठंड लगने लगी मुझे, फटाफट से पहले मैंने सॉक्स पहना, देन ये शॉल डाला, बहुत ही ख़तरनाक वाली ठंड पड़ रही है। पहले तो शुरू में लगा था कि ठंड पड़ेगी ही नहीं, बट आज से लग रहा है ना कि यार अब असली वाली ठंड दिख रही है मुजफ्फरपुर में। वैसे दिल्ली में तो बहुत पहले से ही काफ़ी अच्छी ठंड आ चुकी है, बट यहाँ पे तो यार अभी दिख रही है मुझे ठंड अच्छी वाली। सो फटाफट पूजा पाठ करते हैं एंड चलते हैं नीचे। एंड यस, मेरा छत कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है जब भी ऊपर आती हूँ ना, एकदम बढ़िया सा गार्डन गार्डन जैसा फील होता है, इतने सारे पेड़ पौधे डैडी ने लगा रखे हैं, वेजिटेबल्स की और फ्लावर्स के बहुत सारे, गेंदा तो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो, मम्मी भी आ गई छत पर पूजा करने के लिए, तो चलिए ओम
ग्रीनीशूर्याय नमः, ओम ग्रीनीशूर्याय नमः, तबक और गाइज मुझे ना अभी एक सरप्राइज मिली, बताती हूँ क्या। मैं अभी कॉल में बात कर रही थी, डैडी मेरे लिए बलून लेके आए हैं, बट वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई यार। देखो 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 देखो, यहाँ मैंने विंडो में लगा दिया है, विंडो में अपने मस्त लग रहा है ना ये। एंड गाइज यहाँ पे ना मैं आ गई किचन में पूरियाँ बनाने के लिए। सब कुछ सब्जी वगैरह खीर वगैरह सब कुछ बन गया था, बस पूरियाँ बनाना बाकी थी। और हमने बनाया था जीरा राइस, तो बस पूरियाँ फटाफट से बेल लेते हैं एंड फिर खाना पीना खाते हैं। सो मैं यहाँ पे आई है, वो सुबह से मेरे यहाँ पे है, उसको बर्थडे बर्थडे करके एकदम कल से वो इतनी खुश है ना कि मामी का बर्थडे मामी का बर्थडे। एक्चुअली वो हमारे घर में रेंट पे रहती है, बट वो मुझे मामी ही बोलती है क्योंकि पीहू मुझे मामी बोलती है ना, इसलिए वो भी मुझे मामी बोलती है। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, शॉर्ट्स वीडियो में सौम्या हमेशा रहती है मेरे साथ और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। हम लोग साथ में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, सब फटाफट से बनाते हैं, खाना पीना खाते हैं एंड देन आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और अभी डैडी यहाँ पे आए हैं किचन में, देखना भी क्या रिएक्शन होगा उनका कैमरा देख। तो अभी चलते हैं और खाना खाते हैं। हे गाइस, तो अभी बज गए हैं शाम के 7 बजने वाले हैं और हम लोगों को 1 घंटे में कहीं जाना है। और कहीं जाना क्या, हम लोग को लंच पे, सॉरी हम लोगों को जाना है अभी डिनर पे, मैं मम्मी और डैडी। इस बार हम तीनों की न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रही है और सनी वहाँ अपना सेलिब्रेशन कर रहा है, उसकी तो और मत पूछो कितनी अच्छी सेलिब्रेशन हुई है। फ़ोटोज़ वीडियो उसने मुझे भेजे हैं, 31st नाइट को वो गया था, एकदम मस्त पार्टी वार्टी किया उसने। होप मैं भी जल्दी जाऊँ ताकि मैं भी कर पाऊँ। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। सो मैं क्या पहनूंगी, सो गेट रेडी विथ मी, मैं सोच रही हूँ शूट कर लूँ आपके साथ। तो अभी चलते हैं एंड दिन भर का तो एंड आज का दिन भर ऐसे ही बस निकल गया, खाते पीते निकल गया। और थोड़े बहुत गेस्ट आए थे आज, मम्मी लोग के आंटीज़ वगैरह आई थी बहुत सारी, सब नाश्ता वास्ता सबका, उसी में सब टाइम निकल गया। और फिर वीडियो मैं सोच रही हूँ उसमें कि क्या शूट करूँ, वीडियो मैंने नहीं किया। तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। सो यस, वीडियो में बने रहो। सो या आई हैव दिस जीन्स, एक ब्लू है और मैं पहन रही हूँ ये वाली टॉप, ये सब मम्मी ने गिफ्ट किया है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ मैं इस टॉप के साथ ये ब्लैक वाला ज़्यादा पहनूँ अच्छा लगेगा या फिर ब्लू वाला पहनूँ। मैं सोच रही हूँ ब्लैक ही पहनती हूँ क्योंकि मुझे इस पर ब्लैक लग रहा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे दोनों ही फ्लेयर जीन्स है, देखते हैं पहन के कौन सा सही लगता। सो गाइज मैं यहाँ पे अप्रॉक्स रेडी हो चुकी हूँ और दिस इज़ माय आउटफिट। और मैंने गेट रेडी विथ मी शूट किया है, वो शॉर्ट्स पे डाल दूँगी, वो आप देख लेना वहाँ से। सो या मैं इससे ज़्यादा फैला रहता है, पूरा रूम फैला रहता है जब मैं गेट रेडी विथ मी शूट करती हूँ। तो आज वो फटाफट हल्का फुल्का वाला मेकअप किया, मेरे बाल क्या शाइनी लग रहे हैं यार, मस्त। मैंने आउटफिट ना थोड़ा सा चेंज कर लिया, मुझे ये वाला टॉप ज़्यादा बेटर लग रहा है एक्चुअली। We are ready to go. अभी हम तैयार हो चुके हैं और हम निकलने वाले हैं। और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना। मस्त डेकोरेट होगा अंदर में, अंदर में डेकोरेट होगा पूरा। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं मेला। तो हम लोग आ गए हैं पेट पूजा करने, पार्टी करने हम आ गए। Thank you.
सो गाइस अभी हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया है और अब खाना का इंतजार करेंगे। कम से कम 10-15 मिनट खाना आने में टाइम लगेगा। तब तक बैठ के हम ऐसे ही रेसिपी में देखेंगे क्या क्या मिलता है यहाँ पे। और डैडी अपने फोन में बिजी है, चेस खेल रहा हूँ। किसी का कॉल आ रहा है, मैं करती हूँ बात करने। लेट्स स्टार्ट विद पापर। हमारा पापर आया अभी, तो अभी हम चम्मच से पापर खाएंगे। चम्मच दिया है, चम्मच से पापर खाएंगे। चम्मच से कॉम्प्लीमेंट्री खाना खाने के बाद जरूर खाती हूँ मैं इसको। बहुत अच्छा, ऐसे पूछे हम ही बनाए हैं तो खाना। तुम बनाए ना, मैंने जो ऑर्डर किया वो खाना बहुत अच्छा था। तो अब हम निकलने वाले हैं, बस बिल आ गया है, दो मिनट और वेट करना है, चलते हैं घर। बस चलते हैं घर, पार्टी शार्टी हो गई है, न्यू ईयर पार्टी। और देखो मुझे क्या मिला। ये मैं कहीं जाती थी, ये लेना मैं नहीं भूलती हूँ। और मौसम देखो आप, ठंडा 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 मौसम। और हम इधर इसे भी निकले हैं इस होटल से। सो गाइज अभी हम यहाँ पे घर लौट चुके हैं एंड हमारी आज की पार्टी शादी हो गई है और बहुत अच्छे से हो गई है। होप आपकी भी हो गई होगी। और आपका आज का डे कैसा गया, न्यू ईयर फर्स्ट डे, नया साल का पहला दिन, सब बताना कैसा गया। मेरा तो बहुत अच्छा गया और काश ऐसा ही जाए हमेशा। सो आज के लिए बस इतना ही।